जो मैं कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, हमें फर्क तब पड़ेगा। हो सकता है ये आईएसआई का ही कोई गेम हो, तलाक तुमने लिया, शादी तुमने की, निकाह तुमने किया, तुम भुगतो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम चली गई यहां से। और ये मैं क्यों कह रहा हूं समझो, हो सकता है इसमें आईएसआई की कोई चाल हो। राजी फिल्म याद है ना, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, कि किसी बेटी के सम्मान का मुद्दा नहीं है। आप अपनी तरफ से, मैं बस इतना ही कहूंगा, देखिए सानिया मिर्जा वाले केस में मेरे दोस्तों समझना आप क्या होगा, देखिए भविष्य में क्या हो सकता है, मैं सिर्फ इतनी सी बात आपके सामने करूंगा। सानिया को तलाक दे दिया, कोई बात नहीं जी, हलाला होगा, होता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन करे भाई, पूरा पाकिस्तान करे हमारी बला से, हमें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क कहां पे पड़ता है, जो मैं कह रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा, हमें फर्क तब पड़ेगा। आज का तारीख 9 नवंबर 2022, आज का समय, चैनल का नाम याद रखना, मेरा नाम और मेरा चेहरा भूल जाना, मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल पे ही मैं ये बोलता हूँ। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, अगर जे पाकिस्तान में स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ती है, सानिया के साथ में कोई जुल्म जबरदस्ती कुछ भी ऐसा होता है, संभवत है यहाँ पे सानिया के घर वाले, सानिया के परिवार वाले सरकार से गुहार लगाएंगे, देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी से अपॉइंटमेंट लेके मिलने की बात करेंगे, देश के प्रधानमंत्री जी से अपील की जाएगी कि हमारी बेटी भारत की बेटी है, जिसने भारत को इतने गोल्ड मेडल जितवाए हैं, जिसने भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है, जिसने टेनिस में भारत को एक शिखर तक पहुंचाया, ये बेटी नहीं, ये भारत का सम्मान है, ये भारत का गौरव है, भारत के सम्मान की रक्षा की जाए। अगर वो पाकिस्तान में बुरी स्थिति में है, उसके साथ में वहां पे शोहर ने गलत किया, तलाक दे दिया, मोदी जी हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, ससम्मान हमारी बेटी को वापस ले आओ जी, भारत में सेटल कर दो जी, भारत की नागरिकता दोबारा दे दो जी, ये सारी बातें भविष्य में हो सकती हैं, जो मैं बोल रहा हूं, मेरी इस क्लिप को काट करके रख लेना। और अनफॉर्चुनेटली हमारे मोदी जी को भी कहीं पे नोबेल पीस प्राइज की ललक है, या भगवान जाने आजकल वो एम लोगों के थोड़े मसीहा बनने की तरफ ज्यादा जल्दी फुदक जाते हैं, ज्यादा जल्दी कुचल जाते हैं, उस कीड़े के चक्कर में ऐसा ना हो कि मोदी जी वो गलती कर बैठे और सानिया को वापस भारत में ला करके सेटल करने की बात हो जाए। मोदी को याद रखना होगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीएए का विरोध किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने एनआरसी का विरोध किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने से मना किया था, याद रखना होगा, ये वो लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश में प्रताड़ित हिंदुओं को भारत की नागरिकता दिलवाने से मना किया था, ये वो लोग हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में प्रताड़ित सिखों को भारत की नागरिकता दिलवाने से मना किया था। ये कोई भारत का गौरव नहीं है, ये कोई भारत की बेटी नहीं है भाई, भारत की बेटी अपनी मर्जी से गई थी पाकिस्तान में ब्याहने के लिए, भारत की बेटी अपनी मर्जी से गई थी वहां पे, किसी ने भेजा नहीं था। और अगर इसने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाए हैं, तो बोरे भर भर के लाखों करोड़ों रुपए भी इसको मिले हैं, इसने एक प्रोफेशनल खेल खेला, उस प्रोफेशनल खेल खेलने के एवज में इसको बोरे भर भर के पैसे मिले, बोरे भर भर के सम्मान मिला, बोरे भर भर के पदक मिला, कई पार्टियों की, कई राज्यों की ये ब्रांड एम्बेसडर भी रही थी। ये मैं बहुत स्पष्ट तौर पे अपने विचार आज यहां पे रखता हूं, और देख लीजिएगा आने वाले दिनों में ये सब कुछ हो जाएगा। अगर पाकिस्तान में सानिया मिर्जा के हालात थोड़े से बुरे होंगे, तो यहाँ पे उसका परिवार मोदी जी से अपील करेगा और मोदी जी गोदी में उठा करके वापिस भारत ले आएंगे, तब मेरे ये लाइव आप लोग याद कीजिएगा। और ये मैं क्यों कह रहा हूं समझो, हो सकता है इसमें आईएसआई की कोई चाल हो सकता है ये आईएसआई का ही कोई गेम हो। राजी फिल्म याद है ना, यहां से एक लड़की गई थी वहां पे, फिल्म में जो स्टोरी थी, जासूस बनकर के गई थी, उनकी जासूसी कर रही थी, तो क्या ये संभव नहीं कि आईएसआई के प्लान के तहत इसको वापस से यहां पे प्लांट करवाया जाए और वो यहां की सारी खबरें लीक करके बाहर दे, पाकिस्तान में दे। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये, कि किसी बेटी के सम्मान का मुद्दा नहीं है। आप तलाक तुमने लिया, शादी तुमने की, निकाह तुमने किया, तुम भुगतो, तुम्हारी जिंदगी है, तुम चली गई यहां से, हमारा तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। और ये मेरे शब्द और ये मेरा लाइफ उन लोगों के लिए भी जवाब है जो मुझे कहते हैं मोदी का कुत्ता है। मोदी के कुत्ते ना इतनी ऊंची आवाज में, इतनी कड़क आवाज में, ऐसी आंखें, चीते जैसी आंखें लेके नहीं बोल सकता ये बातें, ये फर्क है।
है ना, किसी का चमचा होने में और निष्पक्ष अपनी बात रखने वालों में।